नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज आज एक नई ट्रिक के साथ आपके सामने आया हूँ। दोस्तों, लास्ट मंथ मुझे हिडन कैमरे की ज़रूरत थी तो मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर भी दे दिया। फिर मैंने सोचा कि हम मोबाइल फ़ोन का यूज भी तो एज ए हिडन कैमरा कर सकते हैं, लेकिन एक दिक्कत थी कि जब भी हम मोबाइल फ़ोन से वीडियो रिकॉर्डिंग बनाते हैं तो यह परेशानी रहती है कि जिसकी भी हम वीडियो बना रहे हैं उसको पता लगने का डर रहता है। पर मैं आज बताऊंगा कि आसानी से मोबाइल कैमरे को हिडन कैमरे की तरह कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बात और, आप सिर्फ बैक कैमरे से नहीं फ्रंट कैमरे से भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। जिस ट्रिक के बारे में मैं बताऊंगा उस ऐप की यही एक अच्छी बात मुझे सबसे अच्छी लगी। आप यदि अपना फ़ोन बंद भी कर लेते हैं तब भी आपकी रिकॉर्डिंग चलती रहेगी। आप चाहे उस अपने फ़ोन को साइड से ऑफ़ कीजिए या ऑफ़ कीजिए, आपकी रिकॉर्डिंग चलती रहेगी। यदि आपने फ्रंट कैमरे की सेटिंग की हुई है तो फ्रंट कैमरे से आपकी रिकॉर्डिंग चलेगी। यदि आपने बैक कैमरे की सेटिंग की हुई है तो बैक कैमरे की वीडियो चलती रहेगी। यदि आपको मेरी ट्रिक पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो मैं बताता हूँ कि आप हिडन कैमरे की तरह अपने फ़ोन को कैसे इस्तेमाल करें। आप प्ले स्टोर में जाएं सबसे पहले, और प्ले स्टोर में जाके आप लिखिए स्पाई कैमरा, SPY फिर कैमरा, जो पहला ऑप्शन आए आपके आगे उस पर क्लिक कीजिए। ये आइकॉन है उसका, दोस्तों मैंने पहले ही इंस्टॉल किया हुआ है, मैं सिर्फ इसको ओपन करता हूँ। देखो दोस्तों, यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन है, यदि मैं फ्रंट का कैमरा क्लिक करता हूँ ऑप्शन में तो आप देखिए फ्रंट का कैमरा इसमें स्टार्ट हो चुका है। और ऐसे ही मैं यदि बैक का कैमरा इसमें क्लिक करता हूँ तो बैक का कैमरा इसमें स्टार्ट हो गया है। देखिए ये मेरे रूम का दृश्य है, ज़्यादा अच्छा नहीं है इसलिए मैं बैक जाता हूँ, एग्जिट करता हूँ यहाँ से। ये सेटिंग आप चेक कर सकते हैं कि आपको फ़ोन में अपनी वीडियो डाउनलोड करनी है या SD कार्ड में करनी है। और इस ऐप को जो रेटिंग मिली हुई है काफ़ी अच्छी रेटिंग है, 4.4 की, और बहुत ही अच्छी ऐप है। मैंने इसका यूज़ कई बार किया है, कई बार कर चुका हूँ मैं इस ऐप का यूज़, और आप भी करें। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें। मैं एक और नई ट्रिक के साथ आपके आगे अगली वीडियो में आऊँगा। चलो दोस्तों, जय हिंद।